हेलो नमस्कार दोस्तों, राजस्थान मौसम विभाग जानकारी में आपका स्वागत है। कोटा में एक बार फिर से नदियां उफान पर हैं। एमपी झालावाड़ और कोटा बैराज में पानी की निकासी के बाद पानी की आवक बढ़ गई है। इसके चलते निचले क्षेत्रों में बसे गांवों में प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। नदियों में पानी की आवक बढ़ने से खातोली पार्वती नदी की पुलिया पर 3 फीट से पानी ऊपर आ गया है। कोटा ग्वालियर मार्ग पर पानी की आवक बढ़ने के बाद आवागमन बंद कर दिया है। राजस्थान मध्य प्रदेश के बीच से संपर्क टूट गया है। इटावा को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाला संपर्क भी कट गया है। तो इसी तरह कैथुदा जरेल चंबल पुलिया पर चादर शुरू हो गई है। पुलिया पर करीब 8 फीट तक पानी आ गया है, जिससे 12 मथुरा सवाई माधोपुर मार्ग पर आवागमन बंद कर दिया गया है। वहीं कालीसिंध नदी में तेज पानी की आवक बढ़ गई है। मंडावर रटेदा चंबल पुलिया पर भी अभी 5 फीट तक पानी आ गया है। आवागमन पूरी तरह से बंद है। क्षेत्र में लगातार नदियों में बढ़ रहे जल स्तर से प्रशासन ने लोगों को अलर्ट करते हुए नदी नालों से दूर रहने के लिए सतर्क करने की अपील की है। दोस्तों इधर कोटा बैराज से आज भी पानी की निकासी की जा रही है। बैराज का एक गेट खोलकर 1255 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया जा रहा है। आगे जवाहर सागर बांध से 1595 क्यूसेक पानी की आवक हो रही है। इसके चलते एक गेट खोलकर 1 फीट खोलकर पानी रिलीज किया जा रहा है। दोस्तों शनिवार को बैराज के 2 गेट खोलकर 7500 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया था, जबकि झालावाड़ में कालीसिंध बांध के 14 गेट 55 मीटर खोलकर 219500 क्यूसेक पानी रिलीज किया गया था। छापी बांध के 4 गेट हुए भीमसागर बांध का 1 गेट खोला गया था। बांधों से पानी की निकासी करने के बाद नदियां उफान पर आ गई हैं। धन्यवाद दोस्तों, राजस्थान मौसम विभाग से जुड़ी हर खबर जानने के लिए हमारे चैनल HGK न्यूज नॉलेज को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।